Hello children, good morning. I am going to teach you ninth chapter of history: the flooring of regional culture. In this chapter, you will learn about the growth of regional culture during the Madwell period and the famous scholars who helped shape and develop regional language. Let's start. The Madwell period witnessed a synthesis of diverse culture in place that lay far away from Delhi. Regional culture evolved that were distinct from the culture in and around Delhi. मेडवल पीरियड विटनेस रहा है अलग अलग कल्चर का जो जगह दिल्ली से थोड़ी दूर होती थी वहाँ रीजनल कल्चर डेवलप हो जाते थे अपना कल्चर उनका हो जाता था ईच रीजन डेवलप इट्स ओन डिस्टिंग लैंग्वेज लिटरेचर म्यूजिक डांस फूड एंड ड्रेस हर रीजन जो है वो अपना अलग लैंग्वेज लिटरेचर को डेवलप कर लेता था लैंगवेज एंड लिटरेचर prior to the arrival of turks afghan and persian sanskrit was the court language in north india from the 8th to the 12th century ce 8th or 12th century ke beech mein तुर्क अफगान और पर्सियन के आने से पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में संस्कृत ही कोर्ट लैंग्वेज यानी राज दरबार की भाषा थी अपॉन द रेबल ऑफ़ द पर्सियन रिप्लेस एज द कोर्ट लैंग्वेज इन द नॉर्थ इंडिया लेकिन जब तुर्क इंडिया आए तो उन्होंने संस्कृत को हटा करके पर्सियन को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया नॉर्थ इंडिया में सेवरल वर्क ऑफ लिटरेचर बूज इन बोथ लैंग्वेज बहुत सारे लिटरेचर वर्क इन दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं द रेइज ऑफ भक्ति मूवमेंट एट द ग्रोथ ऑफ सैबरल रीजनल लैंग्वेज इन द मेडवेल पीरियड दिस वॉज बिकॉज द भक्ति सन्त रीचिज इन लोकल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रीच आउट टू द मासिज मेडवल पीरियड में भक्ति मोमेंट जब राइज हुआ तो वैसे वैसे रीजनल लैंग्वेज भी ग्रोथ करने लगे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो भक्ति संत होते थे वे अपने उपदेश लोकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाते थे मीनी ऑफ दीज लैंग्वेज सच एज हिंदी मराठी बंगाली बेंगोली वी गेंद डेवलप्ड समटाइम इन द एथ सेंचुरी सी ए मेडल पीरियड में जो लैंग्वेज डेवलप हुए भक्ति मूवमेंट के साथ साथ तो वो लैंग्वेज थे हिंदी मराठी बंगाली मराठी डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑविंग लार्जली टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति संत पोइट सच एज द नामा एंड तुकाराम मैडअल पीरियड में मराठी लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हुआ और इसका सारा कंट्रीब्यूशन भक्ति संतों को दिया जाता है जैसे कि नामदेवन संत तुकाराम को जनेश्वर कमेंट्री ऑन द गीता इज सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ मराठी लिटरेचर जनेश्वर के जो कॉमे वर्क uh, है लिटरेचर वर्क भगवद गीता उस वो भी मराठी लिटरेचर मराठी लैंग्वेज में ही लिखी गई है मराठी आल्सो केम टू बी एज द कोर्ट लैंग्वेज मराठी को कोर्ट लैंग्वेज भी बनाया गया डिन सल्तनत में नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरिंग ऑफ राजपूत लिटरेचर बिटवीन द एथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी से ही मैनी राजपूत कोर्ट पोएट इस समय जो बहुत सारे राजपूत कोर्ट पोएट थे उन्होंने अपने कंपोजिशन तैयार किए अपने रूलर्स की वीरता के बारे में लिखा एंड द कम्पोजिशन वर रिटन इन हिंदी कंपोजिशन जो थे वो हिंदी में लिखे गए थे और वन ऑफ इट्स डायलैक्ट्स जैसे कि ब्रज भाषा में अवधि में मैथिली और भोजपुरी में इस समय दो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर लिखे गए जो कि रूलर्स के ऊपर ही थे एक थे चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो रिटर्न इन ब्रजभाषा और सेकंड है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रिटर्न इन अवधि चंद्रवरदाई जो थे वो कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के और उन्होंने ही लिखी थी पृथ्वीराज रासो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत रानी पद्मावती के ऊपर लिखी थी नेक्स्ट है उर्दू अ मिक्सचर ऑफ पर्सियन अरबिक एंड हिंदी उर्दू को परसियन अरबिक और हिंदी तीनों लैंग्वेज का मिक्सचर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्थ सिटीज़ और टाउन जो थे वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बन गई थी आमिर एंड मिर्जा गालिब इन ये दोनों ही फेमस उर्दू पोइट थे इन साउथ इंडिया तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम फ्लरिस्ड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेचर इन द मैडवल पीरियड वर कम्पोज इन इंदीज लैंग्वेज मैडविल पीरियड में साउथ इंडिया में तमिल कन्नड़ा तेलुगू और मलयालम काफ़ी डेवलप थे फल फूल रहे थे और इन लैंग्वेज में बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए अमोघ वर्षा की कभी राजमार्ग जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी गई श्रीनधा श्रीवालसा आ, श्री नधा की श्रीवालसा कृष्णदेव राय की अमुक्त मालेदा जो कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर में आ, के आ, रूलर थे कंबन की रामायण जो कि तमिल लैंग्वेज में है जो काफ़ी फेमस है नेक्स्ट टॉपिक है मणि प्राबलमा मलयालम द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन मेली इन केरला मल, जो मलयालम है वो द्रावेडियन लैंग्वेज मानी जाती है जो केरला में बोली जाती है एंड यू बिलीव टू हैव अवल्व फ्रॉम तमिल ऐसा माना जाता है कि इसका जो विकास हुआ है वो तमिल लैंग्वेज से हुआ है इन द टेंथ सेंचुरी

लैंग्वेज में तो मनी प्रावलमा लैंग्वेज में लिखी गई जो फेमस बुक थी कृष्णा गाथा रिटर्न इन फिफ्टीन सेंचुरी अब वन ऑफ द लास्ट मेजर वर्क ऑफ द मनी प्रावलमा ये इस लैंग्वेज की लास्ट मेजर वर्क मानी जाती है फिर फिफ्टीन सेंचुरी में जो है रामाचरितम वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स ऑफ द पाछा मलयालम पाछा मलयालम से रामचरित काफ़ी अर्लीस्ट मानी जाती है इसी समय जो एक पोएट हुए भक्ति पोएट हुए जिनका नाम है एजू थजन थचन जो थे वो फेमस भक्ति पोएट थे मलयालम लैंग्वेज के उन्होंने दो हिंदू एपिक्स का मलयालम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया रामायण एंड महाभारता का ट्रांसलेटेड द टू हिंदू एपिक द रामायण एंड महाभारता जो कि मलयालम लैंग्वेज में था इस मलयालम लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद रामायण और महाभारत कॉमन लोगों तक केरला में पहुँची नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग इंडिया रिच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग कॉन्टिन्यू ड्यूरिंग द मैडवेल पीरियड पेंटिंग ड्यूरिंग द अर्ली मैडवेल पीरियड वर द मोस्टलीटेड हिंदू जैन बुद्धिस्ट रिलीजियस लिटरेचर अर्ली मैडवेल पीरियड में से में जितनी भी चित्रकारी की गई थी वो सारी की सारी चित्रकारी हिंदू जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर से ली गई थी मुगल रूलर बिटनेस अ ग्लोरियस रिवाइवल ऑफ़ इट्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म मुगल लोग के समय चित्रकारी अपने चरम तक पहुंची पर्सियन पेंटर ऑफ द हिमायू कोट हिमायू के कोट में पर्सियन चित्रकार थे मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद ये काफ़ी पॉपुलर थे इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग uh, जो है उसको डेवलप किया इसमें पर्सियन एंड इंडियन दोनों ही आर्ट फॉर्म शामिल थे मिनिएचर जो पेंटिंग होती है are, स्मॉल होती है साइज में एंड एक्सट्रीमली डिटेल उसमें जो होता है सारे डिटेल वर्क किए होते हैं इसीलिए उसको मिनिएचर पेंटिंग किया जाता है और कहा जाता है प्रोड्यूस ऑन पेपर क्लोथस एंड स्लैब्स ऑफ आइवरी ये जो मिनिएचर पेंटिंग होती है वो पेपर पर कपड़ों पर और आइवरी हाथी दांत के स्लैब्स पर की जाती है ओवर टाइम सेवरल रीजनल स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग डेवलप समय के साथ साथ बहुत सारे मिनीचर पेंटिंग के रीजनल स्कूल डेवलप हुए जैसे कि कांगड़ा राजस्थानी एंड डेक्कनी द रीजनल स्कूल मॉर्ज करेक्टरसाइज ऑफ द मुगल स्कूल विद द लोकल ट्रेडिशन धीरे धीरे जो ये रीजनल स्कूल थे ये मर्ज हो गए मुगल स्कूल के साथ ऑल दिज स्कूल वर नोन फॉर यूज ऑफ द वाइब्रेंट कॉलर एंड डेलीकेट्स ब्रश वर्क ये सारे के सारे जितने भी स्कूल uh, थे ये अपने वाइब्रेंट कलर और डेलीकेट्स वर्क ब्रश वर्क की वजह से काफ़ी फेमस थे मिनिएचर आर्टिस्ट मो नेचुरल कलर मेनिएचर जो आर्टिस्ट थे वो नेचुरल कलर यूज़ करते थे मिनरल वेजिटेबल कॉन्सेल गोल्ड एंड सिल्वर और कई बार तो इन कलर को प्रिपेयर करने में तैयार करने में हफ्तों लग जाते थे नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजिक इंडिया हैड ए रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक का बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है अरेवल ऑफ द तुर्कस म्यूजिकल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब तुर्क आए तो सारंगी और तबला भी इंजियन इंडियन म्यूजिक का हिस्सा बन गया टू डिस्टिंग स्टाइल ऑफ़ द म्यूजिकल दो तरह के म्यूजिकल स्टाइल इंडिया में पॉपुलर थे हिंदुस्तानी इन द नॉर्थ इंडिया कर्नाटक इन साउथ इंडिया हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक सेबरल रीजनल स्कूल्स हिंदुस्तानी जो स्कूल म्यूजिक uh, था उसके बहुत सारे रीजनल स्कूल थे uh, यानी घराने थे डेवलप हुए और इन ईच विद देअर डिस्टिंग स्टाइल और हर घराने का अपना अलग ही स्टाइल था जैसे कि ग्वालियर घराना लखनऊ बनारस एंड पटियाला घराना राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ क्लासिकल म्यूजिक राजा मानसिंह तोमर जो थे ग्वालियर के वो क्लासिकल म्यूजिक के संरक्षक माने जाते थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ इस कोर्ट वो स्वामी हरिदास उनके कोर्ट के बहुत ही फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु माने जाते हैं इन साउथ इंडिया कर्नाटक म्यूजिक फ्लॉरिस इन विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में कर्नाटक म्यूजिक विजयनगर एम्पायर में फल फूल रहा था कर्नाटक म्यूज़िक डिफ़रेंट फ्रॉम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी म्यूजिक से कर्नाटक म्यूजिक काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि अनएफेक्टेड बाय द मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस जो कर्नाटक म्यूज़िक है उसका उसके ऊपर मिडल ईस्टर्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक पर मिडल ईस्ट का काफ़ी प्रभाव है मोस्ट ऑफ द फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियन कर्नाटक जो म्यूजिशियन थे जो काफ़ी फेमस थे वो थे पुरंदरा दासा त्यागराजा कनका दासा एंड दीक्षितार इन इंडिया ट्रेडिशनली क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस वॉज मोस्टली हेल्ड इन टेम्पल इंडिया में जो ट्रेडिशनली क्लासिकल डांस होता था वो मंदिरों में किया जाता था एंड वर बेस्ड ऑन द रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल और ये जो किस पर रिलेटेड होते थे ये धार्मिक और मैथोलॉजिकल रूप से डांस किए जाते थे डांस बिगेन टू मूव आउट ऑफ द टेम्पल अपॉन द रेसिविंग रॉयल पैटर्न जैसे जैसे डांस जो है वो मंदिरों से बाहर आया धीरे धीरे उन्हें राजा महाराजा का संरक्षण मिलना शुरू हो गया मैडल पीरियड में प्री एक्साइटिंग डांस फॉर्म ऑफ लारिसिंग एलोंग साइड मैडवल पीरियड में जो है कई तरह के डांस फॉर्म जो थे वो फल फूल रहे थे ऑफ दीज द फॉम दैट कम टू बी कैटेगराइज एज द क्लासिकल इन सभी डांस फॉर्म को क्लासिकल रूप में कैटेगराइज़ किया गया है जैसे कि भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु कथक कली अन मोहनियाट्टम फ्रॉम केरला कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश ओडिशी फ्रॉम ओडिशा मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर सातियो फ्राम असम कत्थक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया नेक्स्ट टॉपिक है कत्थक कत्थक डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कत्था कथक वर्ड संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब है कथा द फर्स्ट कथक परफॉर्मर पहले कथक जो थी ऐसा परफॉर्मर जो होते थे वो घूमा करते थे जगह जगह वो भाट चारण या कभी हुआ करते थे जो गैंगटिक प्लेन यानी गंगा का जो प्लेन एरिया है वहाँ पर वो ट्रेवल करते थे और अपनी स्टोरी जो है लोगों को सुनाते थे विद म्यूज़िक एंड हैंड गेस्चर यानी सिर्फ हाथों को अलग अलग स्टाइल में बोल करके और म्यूजिक के साथ लेकिन जैसे जैसे स्प्रेड ऑफ़ द भक्ति मोमेंट भक्ति मूवमेंट का बढ़ा वैसे वैसे कथक भी चेंज हो गया एंड केम टू इंक्लूड डांस स्टेप भत, कथक में पहले सिर्फ म्यूजिक और हैंड गेस्चर यूज़ किया जाता था लेकिन भक्ति मोमेंट बढ़ने के साथ साथ कथक में डांस स्टेप भी इंक्लूड हो गया कथक जो थी कथक वॉज यूज टू टेल द स्टोरी ऑफ कृष्णा थ्रू डांस का जो कथक होता है उसमें कृष्ण की स्टोरी महाभारत की स्टोरी जो है डांस फॉर्म में बताई जाती है मुगल रूलर्स जब आए तो कथक जो है वो कोर्ट डांस बन गया और कथक काफ़ी फला फूला और काफ़ी डेवलप हुआ आज भी है ये काफ़ी पॉपुलर तो लखनऊ जयपुर और बनारस में कथक के स्कूल्स हैं पॉपुलर स्कूल्स हैं नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी जिसमें हमें बंगाल की केस स्टडी पढ़नी है ऑफ़ द रीजनल किंगडम ऑफ मैडवल इंडिया बंगाल कंट्रीब्यूशन ऑफ़ द ग्रोथ ऑफ इंडिया कल्चर इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट मैडवल पीरियड में बंगाल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है कल्चर uh, को ग्रोथ करने में जो रूलर थे पाला सेनाज अर्ली मैडवल पीरियड बंगाल इस समय भी काफ़ी कल्चर फल फूल रहा था बंगाल में लेकिन जब शाही सुल्तान साहेब जो कि दिल्ली के अंडर में नहीं थे उनसे इंडिपेंडेंट थे तो यहाँ इनके समय में भी शाही सुल्तानों के समय भी जो लिटरेचर था आर्किटेक्चर था वो काफ़ी डेवलप हुआ और वो यूनिक थे काफ़ी संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन द बंगाल ड्यूरिंग द एनसेंट टाइम एंसेंट पीरियड में कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज मानी जाती है बेंगॉल की वो संस्कृत मानी जाती है बट अंडर द पालाज द पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज़म द टेक्स्ट कम्पोज बाय द बुद्धिस्ट प्रिस्ट वर मेनली इन द प्राकृत लेकिन जब पाला डायनेस्टी के समय क्योंकि वो लोग बुद्धिस्ट के संरक्षक थे तो जब बुद्धिस्ट जो प्रिस्ट के द्वारा जितनी भी बुक्स कंपोज की गई वो सब की सब प्राकृतिक लैंग्वेज में कम्पोस्ट की गई द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बेंगोली लैंग्वेज ऐसा माना जाता है जो प्राकृत लैंग्वेज है वो बेंगोली लैंग्वेज का अर्लीस्ट फॉर्म है इट टू डे डेवलप्ड एट द मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत आज जो बंगाली लैंग्वेज है हमें देखने को मिलती है वो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज का मिक्सचर है ड्यूरिंग जयदेव देव गीत गोविंद कंपोज ड्यूरिंग द रूल ऑफ लक्ष्मण सेना लक्ष्मण सेन के समय जो कि रूलर थे लक्ष्मण सेन सेना डायनेस्टी के उनके समय में जयदेव की गीत गोविंद लिखी गई इट्स जनरली सीन एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बेंगोली पोएट्री तो गीत गोविंद जो है वो अर्ली अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वो बंगाली पोइट्री का पर्सियन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बंगाल अंडर द मुगल्स जब मुग़लों का अधिकार हो गया बंगाल पर तो यहाँ पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन हो गई एंड इस समय अर परशियन और अरबिक वर्ड को मिला करके बहुत सारी बुक्स लिखी गई उसमें चंडी दास की श्री कृष्णा कीर्तन जो कि सिग्निफिकेंट लिटरेची अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड इस पीरियड की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है द भक्ति मूवमेंट आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लिटरेचर भक्ति मूवमेंट को माना जाता है कि इसने बंगाली लिटरेचर को डेवलपमेंट डेवलप कर, करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चैतन्य महाप्रभु पोएट्री फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस अ होल जनरेशन ऑफ बंगाल पोएट्स एंड सॉन्ग राइटर चैतन्य महाप्रभु की पोयट्री ने तो बंगाल के पूरे जनरेशन के बंगाली पोइट्स और सॉन्ग राइटर को प्रभावित किया अदर की लिटरेरी वर्क ऑफ़ दिस पीरियड इंक्लूड मुकुंदा चक्रवर्ती इसी समय लिखी गई थी मुकुंदा चक्रवर्ती की चंडी मंगल और फिफ्थ सिक्सटीन सेंचुरी में और कुछ मुस्लिम पोएम भी हुए पोइट भी हुए जैसे कि दौलत काजी एन सैयद अलॉल नेक्स्ट है आर्किटेक्चर फ्रॉम द लेट फिफ्टीन सेंचुरी टू द नाइनटीन सेंचुरी सी मेनी मेरी टेम्पल एंड मॉस्क्यू बिल्ट इन बेंगाल फिफ्टीन और फिफ्टीन नाइनटीन सेंचुरी के बीच में बहुत सारे टेम्पल और मॉस्क्यू यहाँ बनाए गए बेंगाल में और इनके जो फीचर थे मैडवल बंगाली आर्किटेक्चर वॉज यूज टू द ब्रंट ब्रिक्स एंड टेराकोटा ब्रिक्स और टेराकोटा का इस्तेमाल होता था बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इंटीरियर ऑफ दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स वर सिंपल बट द आउटर वॉल जो टेम्पल होते थे मंदिर होते थे इनका इंटीरियर काफ़ी सिंपल होता था लेकिन जो वॉल होती थी बाहर की दीवार होती थी मंदिरों की काफ़ी डेकोरेटिव होती थी वेल डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स ऑर्नामेंटल टाइल्स और अटेराकोटा टे बट्स इन सब चीज़ों से काफ़ी डेकोरेटिव होती थी बिष्णुपुर इन वेस्ट बंगाल बांकुरा डिस्ट्रिक्ट हैज सम न टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड बिष्णुपुर की जो बांकुरा um, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कुछ टेंपल है इस समय के एग्जांपल है उसका जोर बांगला टेंपल एंड मानचा इसी समय बनाई गई सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा अदीना मस्जिद जो कि काफ़ी बड़ी मस्जिद है आई होप स्टूडेंट कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा थैंक यू चिल्ड्रन